हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राम राम सीताराम। तो अभी मैं आया हूँ कृष्णा की समाधि पे अगरबत्ती करने के लिए। सुबह और शाम को दोनों टाइम आता हूँ। सुबह दादी आती है, लेकिन आज मैं आया हूँ। और यहाँ से थोड़ी सी घास निकाल दी है और थोड़ी सी है यहाँ पर अभी, वो भी निकालनी है। और आज ठंड थोड़ी ज़्यादा हो रही है, लेकिन जैसे जैसे 11 बजेंगे तब तक तो सारी ठंड चली जाएगी, गर्मी होने लगेगी। और ये फ्लावर्स भी अभी सूखने लगे हैं क्योंकि नए आएंगे इसको इसमें, और जब ये सूख जाएंगे तब इसके बीज इसमें से डाल देंगे तो ये उग जाएंगे। इसमें से ही ये सब जब पूरा का पूरा सूख जाएगा फूल, तो इसमें से ही निकल के फिर नीचे गिरेंगे और उग जाएंगे। तो अभी मैं अगरबत्ती कर लेता हूँ और गेहूँ भी अभी पक जाएंगे 10-12 दिनों में ऐसा लग रहा है। और मम्मी पापा दोनों गाय का दूध निकाल रहे हैं। पूनम का गोपली का निकाल लिया है, पूनम का अभी निकाल रहे हैं। तो अभी मैं अगरबत्ती कर लेता हूँ और कहीं पे रख तो नहीं सकता कैमरा, तो अगरबत्ती करके बाद में ही आपको मिलता हूँ। तो अभी मैंने अगरबत्ती कर ली है और अभी वापस भी जा रहा हूँ घर पे। सुबह सुबह का जो माहौल होता है, माहौल तब उठते हैं तो एकदम शांति मिलती है हमें, क्योंकि तब इतने व्हीकल्स नहीं जाते हैं रोड पे। और यहाँ पर अभी इसमें छोटे छोटे आम आने लगे हैं, छोटे छोटे ही, बड़े नहीं हुए, बड़े होंगे। और अभी तक इसमें जामुन पके नहीं है, क्योंकि जो आते अधूरे पकते हैं वो पंछी खा जाते हैं, तो इसके बाद जो पकेंगे वो हम खाएंगे। और ये सारे मैंगो ट्रीज दादी ने ही लगाए हैं सारे। गोपाल,
राधा ए राधा और ये वाले जो बेर है बहुत ये मेरा फेवरेट है। ऐसे वाले और अभी दादा खेत में गए हैं क्योंकि रोज वो सुबह जब उठते हैं एक दो बार खेत में चक्कर तो वो लगाते ही है। तो अभी मैंने पहली बार पंप हाथ में लिया है और इसमें हमें आम जो है हमारे उसमें छिड़कना है। इसमें हमने दूध डाला है 1 लीटर क्योंकि जो उसमें मोर आया है आम उसमें छिड़कना है। वो गाय का दूध है हमारी ही गाय का क्योंकि उसका जो मोर होता है और जो आम आते हैं वो गिर ना जाए अभी, इसलिए हम ये छिड़कने वाले हैं। आज ये पहली बार करण ने पंप लिया है। ये वाला जो पहला आम है उसमें ये छिड़कना है दूध, और पापा ने बोला था कि ये इससे छिड़कने से ये जो इसमें मोर आया है वो गिरता नहीं है, इसमें ही रह जाता है, वरना गिर जाता है ये मोर, इतना नहीं रहता इसमें। और इसका हम नारियल पे भी ट्राई करेंगे कि इसके जो नारियल होते हैं वो गिरते हैं या नहीं। और अभी राजी आता आ रहे हैं घर पे, और अभी हम दूसरे जो आम है उसमें भी छिड़कने वाले हैं, लेकिन ये जो सुपारी का झाड़ है उसके सुपारी में भी थोड़ा सा छिड़का है ताकि उसके भी सुपारी गिर ना जाए। तो अभी यहाँ पर जो 3 आम के पेड़ हैं उसमें ये दूध छिड़कना है गाय का, और अभी इस तरफ हवा है तो इस तरफ उड़ के आ रहा है सारा। अभी करण थक गया है और राइस याता आए हैं अभी। तो अभी मेरे आम के पेड़ की बारी है और इसमें सबसे जल्दी आए थे आम, तो इसमें बड़े बड़े हो गए हैं आम, बाकी सब में अभी छोटे छोटे ही है लेकिन इसमें बड़े बड़े हो गए हैं। और सबसे पहले इस आम की जो मैंगो है वो भी हम खाएंगे इस आम की, बाकी सबकी तो बाद में खाएंगे लेकिन इस आम की पहले। और इसका मैं आपको वापस बता दूं कि इसमें हमने 1 लीटर दूध डाला है पानी के, पानी 1 लीटर दूध और दूसरा पानी डाला है इसमें साथ में, और ये आप किसी भी चीज़ में छिड़क सकते हैं, मैंगो हो गया, आंवला हो गए उसमें, ताकि ये जो उसका फाल होता है जिसे हम फाल बोलते हैं आम का मोर जो भी होता है उसमें आता है वो गिर ना जाए, उसके लिए हम इसका छिड़काव करते हैं।
ये हमने सभी आमों में ये छिड़का है दूध, सारे के सारे जिस जिस में आम आने वाले हैं उसमें सभी में। और पापा ने पूछा के ऊपर थोड़ा सा दूध छिड़क दिया। तो अभी इस आम के पेड़ में छिड़क लिया है दूध, और अभी हम नारियली में ट्राई कर रहे हैं कि इसके जो नारियल होते हैं वो गिरते हैं या नहीं। तो अभी यहाँ पर पापा, दादा, दादी सब बैठे हैं यहाँ पर, और घास में पानी चल रहा है। तो यहाँ पर जो हमने नारियल लगाया था 1-1.5 महीने पहले वो उग गया है। अभी बाहर इसके पत्ते दिखने लगे हैं। और ये मैंने और दादी ने मिलके लगाया था। तो यहाँ पर खट्टे आमरे जिसे हम बोलते हैं वो है आमला। अभी शुरुआत ही हुई है आने की, वहाँ पर दो है, उस तरफ है ज़्यादा। यहाँ पर ज़्यादा आए हैं आमला, और इसमें भी छोटे छोटे आए हैं। और गर्मियों में हम इसकी हरी चटनी भी बनाते हैं, फुदीना और लहसुन, मिर्ची, धनिया सब डाल के बहुत ही अच्छी बनती है इसकी चटनी। ऐसी दो थी लेकिन एक ज़्यादा हवा चल रही थी तब यहाँ से टूट के गिर गई थी, एक रह गई। और इस आमला का मुरब्बा भी बनता है, चीनी गुड़ दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं आप इसमें। बहुत सारे आएंगे इसमें, छोटे छोटे आए हैं अभी, बड़े होंगे इसमें। तो आज का वीडियो भी यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप अब ऐसे ही हमें प्यार और सपोर्ट देते रहें। और अभी सनसेट होने वाला है, अभी थोड़ी सी देर है, थोड़ी देर में होगा। और आज का वीडियो अभी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।